हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं ना। हमारा स्क्रीन चेकअप चल रहा था और हमने कहाँ तक पढ़ लिया? है ना? चल, चलो कंटिन्यू करते हैं ना। नेल्स सर, नेल्स तो भूल गए क्या? भूल गए क्या? नेल्स भी हमारे स्किन का पार्ट ही है। पड़ा छपड़ मैंने पड़ा छपड़ मैंने पड़ा छपड़ के अंदर जाने थे तो नेल हार्ड हार्ड कैरेटीनियस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विच ग्रो एज दैट सेल्स फ्रॉम द नेल रूट विच लाइज ब्लो द स्किन एट द बेस। क्या लिखा हुआ है? जो नेल्स होते हैं इसमें भी कैरेटिन होता है, लेकिन वो कैसा होता है? बहुत हार्ड। वो कैसा होता है? लेकिन बहुत हार्ड है ना। और एक पेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? पेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रो होता है एज अ डेड सेल, एज अ डेड सेल, यानी इसके सेल्स होते हैं वो काफ़ी बहुत डेड होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से ग्रो होता है? फ्रॉम दी नेल रूट, फ्रॉम दी नेल रूट विच लाइज ग्रो दी स्किन एट दी बेस, जो कि हमारी स्किन के नीचे बेस में। वेन एन ओपन पोर इन द स्किन गेट्स क्लैक्ड विद डेड स्किन सेल्स द सेबम फ्रॉम सेबकस ग्लैंड्स इट ब्लैक अपॉन अपॉन ऑपरेशन बाय द एयर, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ ब्लैक हेड। बेसिकली क्या कह रहा है? जब किसी ओपन पोर में, है ना, ओपन पोर में स्किन के अंदर कहीं खून हमारा क्या होता है? क्लैग हो जाता है, जो हमारा खून जम जाता है ना। और वहाँ पर डेड स्किन सेल्स भी होते हैं, डेड स्किन सेल्स में हमारा खून जम जाता है ना। या फिर सेबेक्स, या फिर सेबम में, या तो फिर सेबम में सेबेकस ग्लैंड से जो आता है वो अगर रुक जाता है वो सब क्लैग हो जाता है। क्या होता है? क्लैग हो जाता है तो क्या होता है? वो जगह काली होती है, वो जगह काली हो जाती है। आपने भी देखो कि आपका खून किसी जगह पे जम जाए, नेल्स के अंदर भी खून जम जाए तो वो ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक हो जाता है अपन ऑक्सीडेशन बाय द एयर, क्योंकि उसके ऊपर से एयर एयर की वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचता है, उसकी वजह से वो काला हो जाता है। इस वजह से इसको एक और नाम और दिया जाता है। इस वजह से इसको क्या नाम देता है? ब्लैक हेड इसको नाम दिया जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है? ब्लैक हेड इसको नाम दिया जाता है। अनिल है थ्री पार्ट। अनिल में तीन पार्ट होते हैं, प्लेट बैड जिसको रूट भी बोल सकता है, और एक मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स पेट को होता है, पेट तो वही होता है, इट इज़ द हार्ड एंड आउटर पार्ट ऑफ द नेल, जो बाहर होता है और हार्ड पार्ट होता है, जो कि डेड और डेड सेल्स से बना होता है बेसिकली, ठीक है। उसको होता है पेट। बेड का होता है नेल के नीचे, नेल नेल के नीचे जो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट जगह होती है उसको बोलते हैं बेड। उसको क्या बोलते हैं हम? बेड, जो कि बिल्कुल पेट के नीचे होती है ना। तो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स तो वो चीज़ होती है जो आपको नील्स में दिखाई देती है, जो आपको नील्स के अंदर आपको दिखाई देती है व्हाइट व्हाइट। इट लाइज जस्ट बिलो द स्किन सरफेस एज द बेस ऑफ द नील, ये नील के बिल्कुल बेस में लाई करता है। इट इज यूजुअली विजिबल एज व्हाइट एज हाफ मून एट द बेस ऑफ नील। आपको भी दिखाई देता होगा, आप अपने फिंगर को या फिर अपने उसको अपने फिंगर्स को देखो, तो थंब को देख लो, एक आपको हाफ मून बंधा हुआ दिखाई दे रहा होगा अपने नील के अंदर ही। तो नील के अंदर का एक पार्ट है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूस न्यू सेल्स, इसी से नए नए सेल्स बनते हैं बेस्ड ऑन मैच्योरेशन, जो कि बड़े होने पर पुश आउट द ओल्डर सेल्स, जो बाद में बड़े होते हैं, जो बड़े सेल्स को बाहर निकालते हैं टुवर्ड्स द टिप ऑफ द नेल, नील के बाहर की तरफ, एंड कॉजेस ग्रोथ ऑफ द नेल, और जिसकी वजह से नील की ग्रोथ होती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग थे वाले तीनों पार्ट।
सेबाकस ग्लैंड, सेबाकस ग्लैंड, सेबाकस सेबासियस है बेसिकली, सेबासियस ग्लैंड क्या होते हैं? दिस ब्रांच में ग्लैंड यूजली ओपन इन टू हेयर फॉलिकल। ये बेसिकली वो ग्लैंड हैं जो कि हेयर फॉलिकल में ओपन होते हैं, दो समटाइम्स दे वन ओपन डायरेक्टली टू द आउटसाइड, कभी कभी सीधे बाहर भी खुल जाते हैं। द गिव ऑफ एन ऑयली सेक्रेशन, ये बेसिकली क्या करते हैं, ऑयली सेक्रेशन करते हैं, मतलब कि से सेबम निकालते हैं। सेबम मतलब क्या? अच्छा मैं आपको वही एक ही मीनिंग बता रहा हूँ। एक ऑयली ऑयली चीज़ निकलती है हमारे सर में से, सर बोलो यार, बोल सकते हो आप, आप कभी नोटिस करना, आपसे बाल में ऑयल डालो से ना डालो, अगर आप बाल में ऑयल डालो तो बाल ऑयली होते ही होते हैं। अगर बाल में ऑयल ऑयल नहीं भी डालोगे, 2-3 दिन तक ऑयल मत डालो, फिर भी आपको लगेगा कि हाँ आपके बाल में कुछ तो है थोड़ा सा ऑयल जैसा, तो ऑयल कहाँ से आता है? तो वो ऑयल यहाँ से आता है, और उस ऑयल को बोलते हैं सेबम। ऑयल को क्या बोलते हैं? सेबम, विच मेक द हेयर एंड आउटर सर्फेस ऑफ द स्किन ऑयली, जिसकी वजह से हमारा स्किन ऑयली बनता है, वाटर प्रूफ बनता है, टू कीप द एपिडर्मिस सपल एंड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर, ताकि हमारी बॉडी में से मॉइस्चर भी ना जाए। इन कोल्ड एंड ड्राई वेदर द स्किन में बिकम रफ हो जाता है, आपको पता है कोल्ड में ड्राई वेदर में स्किन थोड़ी रफ हो जाती है। लीव अ पाउडरी सरफेस व्हेन स्केच, और अगर आप अपने स्किन को स्केच करो तो वहाँ पर सफेद सफेद हो जाता है, पाउडरी सरफेस इसको बोलते हैं। ये इसी वजह से होता है कि आपकी बॉडी में से ऑयल कम रहता है, दिस इज ड्यू टू द रिड्यूस्ड सेक्रेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम द सेबेसियस ग्लैंड, क्योंकि आपके सेबेसियस ग्लैंड होते हैं ना उसमें ये वाला मटेरियल जिसको सीबम बोलते हैं निकलना कम हो जाता है। एंड हॉट एंड ह्यूमिड वेदर द स्किन बिकम्स एक्स्ट्रा ऑयली ड्यू टू इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ सीबम, और गर्मी में तो फिर लेटर होता है, सर्दी गर्मी में बहुत ज़्यादा निकलता है, जिससे हमारी बॉडी जो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। थ्री कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेबेसियस ग्लैंड याद रखनी है आपको, एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा था उसको, तो बकरा सेबम, सेबम से या फिर सेबेसियस ग्लैंड की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो कह रहा है पहला है पिंपल्स, सेबम एक्यूमुलेशन कॉजेज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, अगर कहीं पर सेबम एक्यूमुलेट होने लगे तो इसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन होता है ना, एंड गैस इन्फेक्शन रिजल्ट्स इनटू इन्फॉर्मेशन ऑफ बॉयल्स एंड पिंपल्स, वहाँ फिर ये न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वहाँ पर बॉयल्स और पिंपल्स बनने लगते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि अगर आपके बॉडी में से ज़्यादा सेबम निकल रहा है, आपकी बॉडी ज़्यादा ऑयली है, तो आपकी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा एक्ने, डार्क धब्बे इसको बोलते हैं, क्या कह रहा है, सेबेसियस ग्लैंड गेट इन्फ्लेम, कभी कभी ग्लैंड जल जाते हैं ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस, बाहर से नहीं आपके हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे वो जल जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इन द एडोलेंस, इनको क्या बोलते हैं इसको, सब नया मीनिंग है मेरे लिए भी, एडल्ट ही होना चाहिए बेसिकली, लेट मी कंफर्म है ना, आप भी नोट कर लो उसको। एडोलेसेंट का मीनिंग क्या होता है? हाँ एडल्ट होता है, एडल्ट बेसिकली, तो एडल्ट के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल टाइम पे ना, ब्लैक हेड्स, अभी ऊपर पढ़ाई था मैं तो कह रहा है, तो ये तो मैं पढ़ाई था जब बेसिकली वहाँ पे ओपन पोर में स्किन क्या हो जाती है, क्लॉग हो जाती है रेड स्किन के साथ, अभी सीरम क्लॉग हो जाता है। अब पहले आपको सीरम का मीनिंग नहीं पता था, उन्होंने सीरम को मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया, अगर ये क्लॉग हो जाते हैं तो एयर की वजह से, एयर में होकर ऑक्सीजन होता है, तो एयर की वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर रहती है, फिर एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, तो उस वजह से आपका वहाँ पे एरिया ब्लैक हो जाता है, जिसको ब्लैक हेड बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग, दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहला वाला भी और ये वाला भी है ना, क्वेश्चन मिलते हैं इनके। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वीट नहीं है स्वेट, ठीक है, ईच स्वेट ग्लैंड इज अ सिंपल कॉइल्ड ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ अ डीपर सेक्रेटरी पार्ट एंड एक्स
एक्सक्रेटरी पार्ट ऑफ चिल्ड्रन से अपवर टू ओपन ऑन द सर्फेस। क्या कह रहे हैं कि जितने भी सर्टेंट होते हैं सारे के सारे सिंपल कॉइल ट्यूब की तरह होते हैं, जिनके अंदर एक बहुत डीप सेक्रेटरी पार्ट होता है और एक एक्सक्रेटरी पार्ट होता है, बिल्कुल जो बाहर निकालते हैं चीज़ों को, जो कि ऊपर की तरफ फैले होते हैं, जो कि ऊपर की तरफ वो जा रहे होते हैं, है ना, टू ओपन ऑन द सर्फेस, ताकि वो सर्फेस पर जाकर ओपन हो सकें, ताकि वो सर्फेस पर जाकर खुल सकें। द आउटर ओपनिंग्स आर कॉल्ड द स्वेट पोर्स। इनकी जो आउटर ओपनिंग्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्वेट पोर्स, स्वेट पोर्स, है ना। देयर टोटल नंबर इन द बॉडी इज एस्टिमेटेड एट अबाउट 2 मिलियन। ओहो, टोटल 2 मिलियन पोर्स हो सकते हैं। 2 मिलियन का मतलब क्या, 20 लैक्स। ह्यूमन रेसेस बिलोंगिंग टू हॉटर कंट्रीज यूजुअली हैव मोर स्वेट पोर्स देन दोज बिलोंगिंग टू कोल्डर लैंड। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है, अगर आप हॉट सीजन में रहते हो तो आपके पास ज़्यादा स्वेट पोर्स होंगे, अगर आप कोल्ड में रहते हो तो आपके पास कम होंगे, ठीक है, स्वेट पोर्स। और बता रहे हैं द नंबर ऑफ स्वेट पोर्स वेरीज फ्रॉम 60 to 80 पर स्क्वायर मीटर ऑन द ब्लैक ऑन द बैक टू 400 पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द पाम ऑफ द हैंड्स। ओहो, वो कह रहे हैं अगर आप, अगर मैं बैक की बात करूं, है ना, तो बैक, अब बैक वो भी बैक कौन सा, बैक ऑफ द हैंड, है ना, और एक बोल रहा है, एक तो बैक ऑफ द हैंड बोल रहा है, हाँ नहीं, बैक मतलब सुपर सा पीठ कर रहा है। तो अगर आपने बैक की बात करो तो आपका बैक पर जो बेसिकली जो होते हैं स्वेट पोर्स, तो 60 to 80 होते हैं पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर आपके हथेलियों की बात की, आपके पाम्स की बात की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर तो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, 400 पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द पाम ऑफ द हैंड, ठीक है। कैन यू गेस व्हाई द स्वेट पोर्स आर मोर न्यूमरस इन द पाम्स। आप जानते हो हाथों में इतने ज़्यादा होते हैं, सरफेस टेंशन और फॉर ग्रिप, आपको सरफेस टेंशन फॉर ग्रिप, अच्छा, आपको ग्रिप में दिक्कत होती है। फॉर द सेम रीजन सम पीपल टर्न द लीव्स लीव्स ऑफ अ बुक और काउंट द करेंसी नोट्स बाय अप्लाइंग सेलाइवा ऑन द फिंगर टिप। अच्छा, फिंगर टिप डर्टी हैबिट इंडीड एंड अनहेल्दी टू। ओके, बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हम अपने हाथों पर वो लगाते रहते हैं अपना सलाइवा, बेसिकली हम क्या लगाते थे, सलाइवा, कभी बुक के पेजेस को टर्न चेंज कर टर्न करने के लिए, ठीक है, तो कभी नोट्स काउंट करने के लिए, तो उस वजह से वो हमारे पोर्स खुल जाते हैं, वहाँ पर पोर्स हमारे खुल जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता चल गया। द सेक्रेटरी पार्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड एब्जॉर्ब्स फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स एंड ब्लड कैपिलरीज ऑफ द डर्मिस एंड पासेस इट इनटू द एक्सक्रेटरी स्वेट डक्ट विच इज पोर्स इट आउट ऑन द सर्फेस। बेसिकली कह रहे हैं जो सेक्रेटरी पार्ट होता है स्वेट ग्लैंड का, ये क्या करता है, पहले तो लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा, पहले तो लिक्विड को क्या करेगा, फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा अपने आस पास की सेल्स और ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है, डर्मिस की, है ना, फिर उसको पास कर देगा स्वेट डक्ट में, उसको पास कर देगा एक्सक्रेटरी स्वेट डक्ट में, ठीक है, फिर वहाँ से किसमें उलट जाएगा, यानी पोर हो जाएगा सरफेस की तरफ, ये स्वेटिंग होती है, इसको परसिपिटेशन भी कह सकते हैं, इसको परसिपिटेशन भी कह सकते हैं, परसपायरेशन, सॉरी मैं भी गलत गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, परसपायरेशन ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्वेटिंग गोज ऑन, स्वेटिंग चलती रहती है एट ऑल टाइम इन मिनट क्वान्टिटीज, यानी मिनटों में, बेसिकली मिनटों में चलता है, आपको कभी कभी इंडिविजुअल से दिखाई दे सकता है, आपको कभी कभी इंडिविजुअल से दिखाई दे सकता है, यानी हो सकता है जब बैठो आपके हाथों में से आपको लग रहा हो कि पसीना नहीं आ रहा, लेकिन अब ये प्रोसेस चल रही है। और कभी कभी समटाइम्स इन लार्ज क्वांटिटीज, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज, कभी एक्सरसाइज करिए ड्यूरिंग हॉट है या फिर ह्यूमिड वेदर, हॉट या ह्यूमिड वेदर, उस केस में तो आपको ये विजुअल भी होता है, आप नोटिस भी कर पाते हो। द मेजर फंक्शन ऑफ स्वेटिंग इज टू लूज बॉडी हीट बाय इवेपोरेशन। बेसिकली जो स्वेटिंग का जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, ताकि वो आपकी हीट से क्या कर, आपकी बॉडी से क्या कर सके, हीट हटा पाने, टेम्परेचर आपको मेंटेन कर सके। स्वेट कंसिस्ट ऑफ 99% वाटर एंड 0.2% टू 5% सॉल्ट एंड ट्रेसेस ऑफ यूरिया, ठीक है। बेसिकली स्वेट का ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है,
The urea lost through the sweat is about 1% of the total urea excreted by the body. ये आपसे पूछ सकते हैं वन वर्ड में, है ना? कोल्ड स्वेट, ओहो ठंडा पसीना भी होता है। कोल्ड स्वेट में भी ड्यू टू साइकिक इन्फ्लुएंसेस सच एज फ्राइट, यानी डर हो गया, कोई घबराहट हो गया, नर्वसनेस, तो कभी कभी आपको ठंडे पसीने भी आ सकते हैं, ठीक है? ये बेसिकली आपके मेंटली इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, तो नर्वस हुआ आप, घबरा गए। स्वेटिंग में ऑल्सो अकंपनी नॉजिया, ओहो नॉजिया एंड सीवियर पेन, कभी एंड सीवियर पेन, कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन भी इसकी वजह से हो सकता है, हो जाती है, सॉल्ट की कमी हो जाती है, काम का है पॉइंट, है ना? स्वीटिंग वाला पूरे इम्पोर्टेंट था। रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी, हीट प्रोडक्शन से तो नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब बहुत हो गया एक्सक्रीटरी ग्लैंड के बारे में, प्लस सेबेसियस ग्लैंड के बारे में, अब आते हैं दूसरे टाइप के ग्लैंड से, मेमोरी। कौन से? मेमोरी ग्लैंड्स, है ना? इनको मिल्क ग्लैंड्स ही बुलाते हैं, आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, यानी ये क्या होते हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बस थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन उनका। दिस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों में होते हैं, बट इन मेल्स दे परसिस्ट ओनली इन रूडिमेंट्री स्टेट, बट ये मेल के अंदर रूडिमेंट्री स्टेट में होते हैं, फीमेल्स एट पुबर्टी दे एनलार्ज इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ ब्रीस्ट, ईच ब्रीस्ट कैरीज अ सेंट्रल कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड निपल, 15 to 20 milk ducts open on the nipple. Each milk duct is continued inward in a branching manner to join a cluster of 15 to 20 lobes of the mammary glands. The activity of the mammary glands is related to the reproductive hormones and pregnancy. The milk secreted by the mammary gland is highly nutritious for the newborn baby. Meibomian glands, एक और type of glands आ गए, these are modified sebaceous glands which open on the margins of eyelids, मतलब eyelids के ऊपर होते हैं, their secretion is oily and serves to lubricate the margins of the lids and to prevent the overflow of tears, basically इनका काम क्या होता है, ये हमारे आंसू ज़्यादा ना बहें उसको रोकना होता है। Ceruminous gland, इनको ज़रा mark कर लो, these are modified sebaceous glands found in the auditory canal and secrete wax like substance called ceruminal eardrum which lubricates and protects the delicate eardrum from the dust particles and germs. हमारे कानों में आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा, मतलब एक वाइटर सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं, उसको ये उन्होंने लिखा है वैक्स लाइक सब्सटेंस, जिसको इंग्लिश में तो साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या होता है, सेरुमन या फिर ईयर वैक्स, है ना? ये क्या करता है, हमारे कानों को थोड़ा ल्यूब्रिकेट करके रखता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम द प्रोटेक्ट करता है हमारे डेलिकेट ईयर ड्रम को, है ना, डस्ट पार्टिकल से और जम से, उनको अंदर आने नहीं देता है। मिक्स कर लेते हैं, एयर स्पेसेस, स्पेसेस ऑफ यूरिया, ऑयली सेक्रेशन, मोर न्यूमरस स्वेट पोर्स, और हेयर्स आर लिफ्टेड, ठीक है?
और एयर स्पेस जो बाकी बचा ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, हाउ डू हेयर प्रोवाइड अ सेंसर ऑफ टच, ये आप वहाँ से लिख सकते हो अपना आराम से, क्योंकि उसके बेस जो क्योंकि जो हमारा जो स्किन होता है उसका उसका बेसिक से स्टार्ट होता है, सेंसरी ऑर्गन से होता है, तो उस वजह से हमें हेल्प करता है ये ना। हाउ इज द आउटर सर्फेस ऑफ द स्किन मेड वाटर प्रूफ, क्योंकि काफ़ी ऑयली हो जाता है इस वजह से, काफ़ी ऑयली हो जाता है उस वजह से, सीबम की वजह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्किन एंड द हीट रेगुलेशन ऑफ बॉडी, स्किन एंड हीट रेगुलेशन ऑफ बॉडी लिखा भी हुआ था वहाँ पे कि बॉडी की हमारी जो स्किन होती है वो कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा तो बता रहे हैं। ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड, सर ये लिखा हुआ है मैमल्स मतलब क्या, बहुत सारे लोग वो हर तरह के लिविंग बींग्स जो बेबी बॉर्न करते हैं, जो बेबी बॉर्न करते हैं उनके अंदर ह्यूमंस भी आते हैं, तो ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये सारे कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, इन सबों के खून कैसे होते हैं, थोड़ा वार्म होते हैं, इनको एंडोथर्मली बोलते हैं, इसको एंडोथर्मली बोलते हैं। बॉडी हीट जनरेटेड फ्रॉम द इनसाइड, यहाँ पर हीट अपने अंदर से आती है। सो आर द बर्ड्स, बर्ड्स भी हैं, सो बर्ड्स भी हैं इनमें से, है ना, दे ऑल मेंटेन अ मोर और लेस कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर इवन इफ इट इज वेरी कोल्ड और वेरी हॉट आउटसाइड। और ये मेंबर्स कैसे होते हैं, हम लोगों को नाकली बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसे होते हैं, चाहे बाहर ठंड हो चाहे बाहर सर्दी हो, हम अपनी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड टेम्परेचर तो बनाते ही रखते हैं। ठीक है, द बॉडी टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, अच्छा ये कोल्ड ब्लडेड वालों के बारे में बता रहा है, हम तो वार्म ब्लडेड हैं और ये कोल्ड ब्लडेड वाले लोगों के बारे में बता रहा है, तो वो कह रहे हैं इनका जो इन तो टेम्परेचर होता है ना कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स का, वो फ्लक्चुएट होता रहता है विद द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जैसे एनवायरमेंट बदलेगा वो फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन हमारा थोड़ा सा कॉन्स्टेंट रहता है, हमारा क्या रहता है लगभग कॉन्स्टेंट ही रहता है। दिस मीन्स दैट दे मस्ट समहाउ एस्केप फ्रॉम बोथ कंडीशंस ऑफ टू हॉट और टू कोल्ड एनवायरमेंट, इसका मतलब है कि उनको तो ज़्यादा ठंडे एरिया से ज़्यादा गर्म एरिया से बच के रहना चाहिए। ठीक है, दस दे हाइबरनेट और एस्टिवेट एज इन द केस ऑफ फ्रॉग्स, तो कह रहे हैं तो या तो हाइबरनेट कर लेते हैं फिर अपने ऊपर एस्टिवेट कर लेते हैं। हाइबरनेट मतलब क्या, बहुत गहरी स्लीप में चले जाते हैं, हम बियर्स करते हैं, पांडास करते हैं, वो सर्दियों में ज़्यादा रह नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं सर्दियों में खाना अपना शुरू करके किसी केव के अंदर सो जाते हैं पूरे 6 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसे फ्रॉक होते हैं, उनको समर में मतलब गर्मी उनको टॉलरेट नहीं होती है, वो गर्मियों को सहन नहीं कर सकते हैं तो वो एस्टिवेट करके सो जाते हैं, तो सर्दियों में गर्मियों में सोना एस्टिवेट और सर्दियों में सोना हाइबरनेट, है ना। इनको बोलते हैं, अच्छा एक दो टर्म आ रहे हैं, इकोथर्मल और एंडोथर्मल। एंडोथर्मल का मतलब तो समझ गए थे, जिसको वार्म ब्लडेड होते हैं। इकोथर्मल मतलब क्या, जो कोल्ड कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एक्टोथर्मल है ना, ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय पॉइक्लोथर्मल और होम्योथर्मल। अच्छा वो कह रहे हैं इनको भी ना, इनके और भी नए नए वर्ड्स हैं, बोलते हैं वो थर्मल ही बोलते हैं, वो थर्मल ही बोलते हैं और वार्म ब्लड को होम्योथर्मल ही बोलते हैं। ठीक है, होम्यो का मतलब जहाँ पे हो टेम्परेचर सेम रहे, ठीक है, और पॉइक्लो का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बार बार चेंज होता रहे, तो कोल्ड ब्लडेड वाले लोगों का टेम्परेचर चेंज होता रहता है उसको बेरिंग बोल दिया, पॉइक्लो बोल दिया पॉइक्लो थर्मल, क्योंकि पॉइक्लो का मतलब चेंज होते रहना होता है, और वार्म ब्लडेड लोग होते हैं उनका टेम्परेचर मोर और लेस सेम ही रहता है, तो उसके लिए इन्होंने होम्यो वर्ड यूज किया, क्योंकि होम्यो का मीनिंग सेम होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यूजुअली अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस है ना इन दी माउथ, इट्स अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस हायर हायर इन दी रेक्टम एंड अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस लोअर इन दी आर्मपिट्स। ठीक है, एंड नॉर्मली माउथ के अंदर देखा जाए तो हमारा टेम्परेचर कितना होता है 37, कितना होता है 37, और अगर रेक्टम की बात किया तो वहाँ पर कितना होता है 38, कितना होता है 38, आर्मपिट्स की बात किया तो एक कम यानी कि 36, 30 से कंपेरिजन होगा हर जगह पर। ठीक है, आर बॉडी टेम्परेचर में ऑल्सो शो वेरिएशन ऑफ 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.5 डिग्री सेल्सियस कोर्स ऑफ 24 आवर्स, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज होता है, बहुत कम बहुत माइनस है, 0.3 डिग्री से लेकर 0.5 डिग्री सेल्सियस तक का चेंज हमारे बॉडी के टेम्परेचर में हो सकता है,
एक दिन में है ना, इट इज लोएस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह बहुत कम होता है टेम्परेचर, और लेट आफ्टरनून यानी इवनिंग के बाद बहुत तेज धूप होती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी तभी थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब अपने पीक पर होता है। राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल मीन्स फीवर। तो हो आपको क्या फीवर के डेफिनेशन आ रहे हैं कि आपकी बॉडी टेम्परेचर, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर चला गया तो आपको फीवर बोलेंगे, और बोलेंगे आपको किस तरह की बीमारी हो गई सिमिलरली। अब फॉलिंग टेम्परेचर में भी डेंजर, अगर आपका टेम्परेचर गिर भी जाता है तो अभी आपको समझेंगे कि आपकी तबीयत खराब है। अब सूटेबल टेम्परेचर इज 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, अगर आपको 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है तो आप फाइट परफेक्ट एंड फाइन है ना, फिट एंड फाइन है, इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज स्पेशली फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। द वर्किंग ऑफ एंजाइम्स स्लो डाउन विद द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। वो कह रहा है आपकी एंजाइम्स की वर्किंग के लिए टेम्परेचर का 35 से लेकर 45 डिग्री के बीच होना जरूरी है। अगर आपका टेम्परेचर गिरा तो उनकी वर्किंग गिर जाएगी, आपका टेम्परेचर बढ़ा तो वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, तो फिर वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, जैसे नहीं कि उनकी एक्सेस बढ़ जाएगी ऐसा मत कर क्या ना। आप सोचो कि सर टेम्परेचर गिरा तो उनका काम भी कम हो गया, और टेम्परेचर बढ़ा तो उनका काम भी बढ़ गया ना, ना ऐसा उल्टा करके याद करने की जरूरत नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, तो उतर जाएंगे डिस्ट्रॉय। हीट प्रोडक्शन देर आर मैनी सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन द आर बॉडी। वो कहते हैं हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है तो आपको पता ही है इंटरनल सोर्स है, तो हमारी बॉडी के अंदर हीट कहाँ से आती है। केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन ऑल बॉडी सेल्स स्पेशली इन द लीवर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जनरेट प्रोड्यूस हीट। वो कहता है जब हम ग्लूकोज बना रहे होते हैं, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा होता है लीवर के अंदर, तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। मोस्ट ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन आर बॉडी कम्स फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ मसल्स। और काफ़ी सारे हम हमारे मसल्स के हम काम वगैरह करते हैं, तो वो विगोरस एक्टिविटी बहुत हम स्ट्रिक्ट काम करते हैं, आप कह सकते एक्सरसाइज भी करते हैं है ना, तो ये आपको कभी कभी वार्म करती हैं और कूल डे है ना, कभी कुछ सर्दी में आपको गर्मी का एहसास भी दिला देती हैं, जिसका मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा ओवरहीट कर देती हैं। तो कभी कभी हमारे मसल से भी आ सकता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कम्स फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ हॉट फूड्स एंड बेवरेजेस। थोड़ी बहुत हीट इससे भी आपकी बॉडी के तहत हैं, बाहर का अनडाइजेस्टेड फूड खाते हैं जो डाइजेस्ट ना हो सके, जो डाइजेस्ट ना हो सके है ना, गर्म गर्म खा लेते हो, बेवरेज पी लेते हो तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उनसे भी हमारा थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है। हीट लॉस ये तभी हीट के बारे में पड़ता है, हीट को लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं। हीट इज लॉस फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द फॉलोइंग टू चांस। अगर चार रास्ते हैं हमारी बॉडी से हीट के निकलने के, एक तो स्किन, अबाउट 85% ऑफ बॉडी हीट इज लॉस थ्रू द स्किन बाय कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन और थ्रू वेपोरेशन ऑफ स्वेट। 85% हमारी बॉडी के थ्रू चला जाता है, हमारी स्किन के थ्रू चला जाता है ठीक है, बाय कन्वेक्शन बाय रेडिएशन बाय इवेपोरेशन, ये सारे तरीके हैं ठीक है। लंग्स हीट इज लॉस्ट इन द वार्म एयर। हीट जो है वो लॉस्ट हो जाती है वार्म एयर में। हीट इज लॉस्ट इन द वार्म एयर विच इज अ ब्रीदिंग आउट, मतलब हमारी बॉडी के अंदर हीट खो जाती है जिसको हम लंग्स के थ्रू ब्रीद आउट करते हुए निकाल देते हैं। द लॉस इन वार्म एयर द लॉस इन वार्म एयर कैन इजिली बी एक्सपीरियंस बाय जेंटली ब्लोइंग ऑन द बैक ऑफ योर हैंड कीपिंग द माउथ वाइड ओपन। वो कह रहे हैं अगर आपको अपने अंदर की हीट अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है तो बहुत धीरे से अपने माउथ को वाइडली ओपन करके थोड़ी सी हवा निकाल सकते हो, तो आपको पता लगेगा कि गर्म हवा निकल जाएगी। तो सम हीट इज ऑल्सो लॉस्ट ड्यूरिंग वेपोराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लंग्स। तो जब आप लंग से पानी पीते हो या फिर लंग से ब्रीद आउट करो तो अभी आपकी एनर्जी निकलती है। यूरिन एंड फेसेस द सब्सटेंस आर एलिमिनेटेड बॉडी टेम्परेचर। तो आप यूरिन और फेसेस के थ्रू भी काफ़ी सारा सब्सटेंस ऐसा होता है उसके अंदर बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। फूड्स हीट इज ऑल्सो लॉस्ट वेन कोल्ड फूड वाटर और कोल्ड बेवरेजेस आर टेकन इनटू आवर बॉडी। जब हम कुछ ठंडा खाते हैं सामान अंदर हीट जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। नॉर्मल चीज़ें बढ़िया इंपॉर्टेंट है ठीक है। अरे कहाँ गए, तो बात होगी टेम्परेचर कितनी ज़्यादा, टेम्परेचर रेगुलेट
कैसे करें, टेम्परेचर रेगुलेशन द प्रिंसिपल हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मतलब हमारे ब्रेन का आगे वाला पार्ट, हमारे ये ब्रेन का आगे वाला पार्ट, फोर ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है जहाँ पे बेसिकली हीट को रेगुलेट किया जाता है, तो हमारे ब्रेन में रेगुलेट होती है। जो प्रिंसिपल हीट रेगुलेटिंग सेंटर है वो क्या है हमारा, हाइपोथैलेमस, जो कि कहाँ पे है हमारे फोर ब्रेन में। दिस पार्ट एक्ट्स लाइक अ थर्मोस्टेट। व्हेन द बॉडी टेंड्स टू कूल बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर इट सिट्स और स्पीड ऑफ द हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने की कोशिश कम होता जाता है, तो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है हमारे ब्रेन के ऊपर, जिससे हमारा टेम्परेचर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड व्हेन द बॉडी टेंड्स टू गेट ओवर हीटेड, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो हमारी ये कूलिंग स्टार्ट करता है। क्या बात है, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कैसे कूलर का वो है स्विच क्लिक करो ऑफ करो। इन कोल्ड वेदर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर लो, कोल्ड वेदर में बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, ब्लड वेसल्स गेट नैरोड, ब्लड वेसल्स का भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे रेड्यूस होता है ब्लड सप्लाई टू द स्किन, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी थोड़ी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट देयर इज लेस लॉस ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन, इस वजह से हीट थोड़ी कम निकलती है, ठीक है। एंड ऑल्सो लेस लॉस ऑफ हीट थ्रू वेपोरेशन स्वेट, और स्वेट भी कम आता है सर्दियों में, तो यानी अल्टीमेटली स्वेट बहुत कम निकलता है। एज द ब्लड सप्लाई टू स्किन इज रेड्यूस द स्वेट ग्लैंड्स ऑल्सो सेक्रेट लेस स्वेट। वही कह रहे क्योंकि जब ब्लड सप्लाई बहुत कम पहुँचेगा तो स्वेट भी कम आएगा, और स्वेट कम आएगा तो बहुत कम स्वेट निकलेगा। दिस इज नेचुरल मेथड टू कंजर्व बॉडी हीट, और ये कहने ये एक नेचुरल तरीका है अपने हीट को कंजर्व करने का। व्हेन वैसो कंस्ट्रिक्शन अकर्स इट मेक्स द पर्सन लुक पेल और ब्लूज। वो कह रहे हैं जो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी ये बहुत ज़्यादा रुक जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा रुक जाए आपका टेम्परेचर, तो आपकी बॉडी कैसे होगी, पीली पीली एकदम, कैसे हो जाएगी, या तो पीली हो जाएगा ब्लूज हो जाएगा, क्योंकि आपका खून बहुत कम हो चुका है, रेड हो चुका है, बहुत ब्लड सप्लाई आपका। साइमल्टेनियसली द हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट, लेकिन वो कह हीट प्रोडक्शन आपको बढ़ता जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बढ़ जाए, या मेटाबॉलिज्म बढ़ने की स्पीड रेट चेंज हो जाए। एंड थ्रू इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, एंड थ्रू इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी विच इज समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ स्विमिंग, और कभी कभी हो सकता है आपका ये मेंटेन हो जाए अगर आप शिवर कर रहे हो तो उससे भी। वो कैसे आप हैंडल अप करके देखो, उससे भी हीट प्रोड्यूस होती नहीं होती, तो वो कह रहे हैं शिवरिंग में भी आपकी बॉडी रब होती है। इन हॉट वेदर जब बाहर का टाइम से बहुत ज़्यादा तेज होता है, या पर्सन बहुत ज़्यादा काम में लगा होता है, बिच मीन्स यहाँ पर अपनी हीट का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है अंदर बॉडी में, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस हो रही है। द ब्लड सप्लाई टू द स्किन इज इंक्रीज, तो ब्लड सप्लाई थोड़ी बढ़ जाती है, बदन डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द स्किन डायलेशन हो जाता है, इसको वासो डायलेशन बोलते हैं। दिस रिजल्ट इन ग्रेटर लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन, इससे काफ़ी आपकी हीट का लॉस होता है, एंड ऑल्सो बाई वेपोरेशन ऑफ स्वेट, और आपको स्वेट ही बहुत ज़्यादा आता है, तो उससे आपकी हीट बहुत निकलती है। विच इज़ नॉट प्रोड्यूस इन लार्जर क्वान्टिटीज, जो कि अब लार्ज क्वान्टिटीज में प्रोड्यूस की जाती है, लार्जर क्वान्टिटीज में प्रोड्यूस की जाती है ड्यू टू दिस सप्लाई ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर इस वजह से। एयर मूवमेंट्स ओवर द बॉडी हेल्प स्पीड अप, एयर मूवमेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को थोड़ा बॉडी को स्पीड अप करने में थोड़ी हेल्प करते हैं, वो भी थोड़ा एवोपरेट हो जाए। दैट इज़ वेदर फैन से विच डू नॉट कूल द एयर ऑफ द कूलिंग हैविंग ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी। कभी कभी आपको पता चलता है कि फैंस का रूम पे तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन आपकी बॉडी पर ठंडा ठंडा महसूस होता है, वो सी ऐसा भी आपको स्वेट को एवोपरेट कर रहे होते हैं। और सन स्ट्रोक इज अ कंडीशन इन विच स्वेट प्रोडक्शन इज अनेबल टू कीप पेस, जहाँ पे स्वेट प्रोडक्शन की स्पीड होती है ना वो अनेबल होती है, किस मतलब मिसमैच हो जाती है विद द इवेपोरेशन द वेरी हॉट वाटर, यानी स्वेट का प्रोडक्शन तो अलग स्पीड पे हो रहा है, इवेपोरेशन अलग स्पीड पे हो रहा है, दोनों मिसमैच कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हीट स्ट्रोक, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन राइज इन बॉडी टेम्परेचर, इसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फीवर आ जाता है, विच में समटाइम्स भी फैटल, जो कि कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाता है। ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर एंड टेकिंग अ लिटिल मोर ऑफ सॉल्ट इन समर इज अ गुड प्रिकॉशन अगेंस्ट हीट स्ट्रोक, अगर आप हीट स्ट्रोक से बचना है तो बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हो और नमक खा सकते हो, ठीक है। प्रोग्रेस चेक, ऑल मेम्बर्स आर एक्टोथर्मल्स,
ना जरूरी नहीं है। हाइबरनेशन में अगर उन्होंने समास गलत है, इसको बिल्कुल बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली 98.69। बिल्कुल ट्रू है ये। वेकोरस एक्टिविटी ऑन अ कोल्ड डे ओवर हीट्स यू। बिल्कुल नहीं, कोल्ड में तो मेंटेन करके रखती है आपको। है ना, फॉल्स है। द प्रिंसिपल हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन थायरॉइड ग्लैंड। ये हमारे ब्रेन में होता है। इंक्रीज बॉडी हीट कॉजेस वास्को कंस्ट्रक्शन। इंक्रीज बॉडी हीट, बिल्कुल हाँ। फेशियल हेयर ह्यूमन कंट्रीब्यूट टू डिस्टेंस। बिल्कुल ट्रू है ये। आपके वाले एक्सरसाइज तो मैंने करा दी है, चैप्टर के बाद की एक्सरसाइज आपकी आपको सारी करनी है, ठीक है। और अब तो संडे को तो सारी क्वेरीज होनी चाहिए, फिर आप मुझे बता ही देना जो जो आपको नहीं आए क्वेश्चन है, वो मैं करा ही दूँगा फिर वीडियो में, है ना। प्रॉपर वीडियो ही क्वेरी के ऊपर में ले लूँगा।